x/2 और tan x/2 जीरो तथा I इकाई आव्यूह है, इकाई आव्यूह 2x2 क्रम का है, तो प्रूव दैट, तो सिद्ध करो i + a = i - a cos x - sin x - sin x cos x। ये प्रूव करना भाई, यहाँ आई क्या है, सेकेंड और 2x2 क्रम का यूनिट इकाई आव्यूह है। हल a = 0 tan माइनस का tan x by 2 0 तथा आई 1 0 0 1 द्वितीय क्रम का इकाई आव्यूह है, दे रखा है, तो हमें सिद्ध करना है। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड लेने, पहले लेफ्ट हैंड साइड देखिए, i + a 1 0 0 1 प्लस ए 0 माइनस tan x by 2 0 जोड़ दीजिए, तो i + a अरे संगत अवयव जोड़ेंगे, 1 + 0 1 0 प्लस तो माइनस tan x by 2 0 प्लस tan x by 2 और 1 + 0 1 ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को उसके इक्वल लाना है, राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड है i - a (cos x - sin x) and (sin x - cos x) i - a डायरेक्ट लिख दे, i - a ये तो रहा i और ये a i - a लिख रहा हूँ मैं, रीना ध्यान से, 1 - 0 i - x है ना, i - a तो a (1:1) - b(1:1) i - 1 1 - 0 1 आएगा 1 0 माइनस माइनस प्लस tan x by 2 और 0 माइनस ये माइनस tan x by 2 और 1 - 0 1 इंटू cos x - sin x - sin x cos x। राइट हैंड साइड में i - a मैंने सीधा लिख दिया है, i - a कर दिया इंटू इजल रैप, इसको सॉल्व करके किसके इक्वल लाना हमें, इसके, तो कॉस और साइन के टेन के जो फॉर्मूले हैं उसमें बदल दीजिए, 1 tan x by 2 - tan x by 2 और 1 दो तरीके से कर सकते हैं, टेन को साइन अपॉन कॉस में बदल के भी कर सकते हैं और कॉस को टेन की टर्म में। कॉस का फॉर्मूला cos 2x = 1 - tan² x / 1 + tan² x एंड sin 2x = 2 tan x / 1 + tan² x। ये sin 2x cos 2x के फॉर्मूले tan की टर्म है, किस पे लग रहे हैं, x पे, x/2 आएगा, ये होगा 1 - tan² x / 2 / 1 + tan² x / 2 माइनस साइन के लिए 2 tan x/2 / 1 + tan² x / 2 फिर साइन के लिए 2 tan x/2 / 1 + tan² x / 2 और 1 - tan² x / 2 / वैल्यू रख दी। कॉस और साइन के फॉर्मूला ये लगा दिया हमने, 2x वाला किस पे लगा, x पर, x बाई 2 हो गया। अब देखिए सरल करने के लिए आप चाहो तो इसमें से ये कॉमन ले सकते हो बाहर, ये सब में टर्म है ना, तो कॉमन ले लीजिए, इसको सॉल्व करना है तो ये आ जाएगा 1 / 1 + tan² x बाहर निकाल दो, कॉमन है सब में, 1 / 1 + tan² 1 / 1 + और यहाँ क्या बचेगा, 1 tan x by 2
माइनस टेन एक्स बाई टू और वन इंटू वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस टू टेन एक्स बाई टू और इधर ये टू टेन एक्स बाई टू और वन माइनस टेन एक्स वाई स्क्वायर एक्स बाई टू, ये बाहर आ जाएगा बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, मल्टीप्लाई करो भाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो वन इंटू ये होगा फर्स्ट है वन इंटू वन माइनस टेन स्क्वायर टू वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और प्लस इनको मल्टीप्लाई करो प्लस के टू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू टेन एक्स बाई टू इंटू टू टेन एक्स बाई टू फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम वन इंटू माइनस के टू टेन एक्स बाई टू और इससे करेंगे तो प्लस ये फर्स्ट रो फर्स्ट सेकेंड कॉलम वन का इससे प्रोडक्ट टेन एक्स बाई टू इंटू ये क्या है बोलो टेन एक्स बाई टू इंटू वन टेन एक्स बाई टू और माइनस टेन क्यूब एक्स बाई टू, अरे टेन क्यूब होगा कि नहीं, पर ये तो अलग है। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो माइनस टेन एक्स बाई टू इंटू वन माइनस टेन एक्स बाई टू और माइनस माइनस प्लस टेन क्यूब एक्स बाई टू प्लस इससे करेंगे प्लस टू टेन एक्स बाई टू सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो टेन एक्स बाई टू को इससे किया माइनस को ये दोनों टर्म आ गई प्लस वन अब इसको माइनस और माइनस प्लस टू टेन स्क्वायर एक्स वाई टू और वन से करेंगे तो प्लस वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स वाई टू ये आ गया भाई वन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स वाई टू बताओ टू टेन स्क्वायर एक्स वाई टू से एक टेन स्क्वायर एक्स वाई टू गया क्या बचेगा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स वाई टू इधर देखिए भाई क्यूब है ये टू टेन तो माइनस टेन एक्स वाई टू माइनस टेन क्यूब एक्स वाई टू माइनस टू टेन एक्स वाई टू प्लस टेन एक्स वाई टू तो माइनस का टेन एक्स वाई टू माइनस टेन क्यूब एक्स वाई टू और ये टू टेन एक्स वाई टू है प्लस और माइनस तो टेन एक्स वाई टू प्लस टेन क्यूब एक्स वाई टू और टू में से बन गया वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स वाई टू और ये वन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स वाई टू ये वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स वाई टू इसमें से माइनस टेन एक्स वाई टू कॉमन माइनस के टेन एक्स वाई टू को तो वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स वाई टू अपॉन ये कॉमन आ गया प्लस का टेन एक्स वाई टू तो वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स वाई टू और ये वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स वाई टू अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर इससे तो क्या बचेगा वन इसको इससे किया तो ये कैंसिल हो जाएगा माइनस टेन एक्स वाई टू इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये कैंसिल प्लस टेन एक्स वाई टू और इसको मल्टीप्लाई किया वन इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड देखना भाई इक्वेशन फर्स्ट वन माइनस टेन एक्स वाई टू टेन एक्स वाई टू और वन आई प्लस ए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड एल एच एस इक्वल टू आर एस एस और लिख देना हैंस प्रूव एक पॉइंट तीन पॉइंट दो का यदि 1 0 2 माइनस 1 माइनस 3 4 ए 1 माइनस 4 3 माइनस 2 माइनस 10 6 13 20 माइनस 9 तो ए का ए ज्ञात करो आर यू ए ज्ञात करना है हमें
हल। अब देखिए इसको आप ए तो ये, इनको बी और सी नाम दे दो। तो ये है 1 0 2 -1 -3 4 आव्यू ए, 1 -4 3 2 -10 6 13 20 -9। माना बी बराबर, तो इसको मान लिया हमने 1 0 2 -1 -3 4 3 × 2 ऑर्डर, एंड सी इज इक्वल टू 1 -4 3 -2 -10 6 13 20 -9 3 × 3। तो क्या हो गया बोलो अभी, ये हो गया। इसलिए बी ए इज इक्वल टू सी, बी ए इज इक्वल टू सी। अब हमें लाना है यहाँ पर ए, ए प्रूफ, तो इसको बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बी इनवर्स से। तो बी इनवर्स बी ए इज इक्वल टू बी इनवर्स सी, और ये क्या हो गया, बी इनवर्स बी इज इक्वल टू आई। तो ये तो हो जाएगा आई ए इज इक्वल टू बी इनवर्स सी, और आई ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी इनवर्स सी। अब बी इनवर्स निकालना अपने सीखा नहीं अभी, तो है बताया थोड़ी मैंने बी इनवर्स आई ने बी ज्ञात करना है ना, जो उसके लिए आपको सह खंडज वगैरह निकालने पड़ेंगे, तो अभी तो आप बताए नहीं वो, इसको दूसरे तरीके से करते हैं। बताओ लो भाई, ये इसका ऑर्डर क्या है, 3 × 2, और ये क्या है 3 × 3। ए क्या होगा बोलो, ए होगा 2 × 3, तो ये ए होना चाहिए यहाँ 2 × 3 का। तो ए इज इक्वल टू क्या माने, 2 × 3 है ना, ए बी सी एक्स बाई जेड हो गया 2 × 3। अब रख दीजिए इसमें, तो 1 0 2 -1 -3 4 इंटू ए बी सी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 -4 3 -2 -10 6 और 13 20 -9। वो दिव्यांश के लिए ये हमें गिवन है, यदि मैट्रिक्स इंटू ए बराबर ये, तो ये ज्ञात करो, तो हमने इसको नाम बी दे दिया, इसको सी दे दिया, और नहीं वो तो मैथड ही बदल दिया अपन, ये ले लिया अपन ये, तो यहाँ पर क्या है 3 × 2 ऑर्डर का, ये तो ये अभी का ऑर्डर क्या है 3 × 2, इसका क्या है 3 × 3। ए किसका होना चाहिए 2 × 3 का, जब 3 × 2 और ए 2 × 3 होगा तो गुणनफल क्या प्राप्त होगा 3 × 3। तो ए को हमने 2 × 3 का मान लिया, ए बी सी और एक्स वाई जेड। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ए बी सी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालें, तो बोलिए तुलना करके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × a प्लस 0 × x 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 b प्लस 0 1 × b 0 × y ऐसी c प्लस 0, इधर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2a - x और 2b - y और 2c - z और ये थर्ड रो तो -3a + 4x, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम -3b + 4y और -3c + 4z और इक्वल्स टू 1 -4 3 -2 -10 6 13 20 -9। बोलिए ए प्लस जीरो ए
बी सी, टू ए माइनस एक्स, टू बी माइनस वाई, टू सी माइनस जेड और माइनस थ्री ए प्लस फोर एक्स, माइनस थ्री बी प्लस फोर वाई, माइनस थ्री सी प्लस फोर जेड इक्वस टू वन माइनस फोर थ्री माइनस टू माइनस टेन सिक्स थर्टीन ट्वेल्व ट्वेंटी माइनस नाइन। समान अवयव के संगत अवयव बराबर होते हैं, समान अवयव के संगत अवयव समान होते हैं तो तुलना कर दें। तो बोलिए भाई ए वन वन किसके बराबर आएगा, बी वन वन के, इसलिए ए बराबर वन, ए बराबर वन, बी बराबर माइनस फोर एंड सी बराबर थ्री। इधर लीजिए टू ए माइनस, टू ए माइनस एक्स बराबर माइनस के दो, टू ए माइनस एक्स बराबर माइनस दो, टू बी माइनस, टू बी माइनस वाई बराबर माइनस टेन और टू सी माइनस जेड बराबर सिक्स। ए बी सी की वैल्यू हमारे पास है तो इससे एक्स की वैल्यू इधर ले आए, देर फोर टू ए प्लस टू इज इक्वल टू एक्स, इधर टू बी प्लस टेन इज इक्वल टू वाई एंड टू सी माइनस सिक्स इज इक्वल टू जेड। ए बराबर वन, बी बराबर माइनस चार और सी बराबर थ्री, इसलिए बोलो भाई एक्स बराबर ए बराबर वन रखो फोर, वाई बराबर माइनस एट तो वाई बराबर टू एंड जेड बराबर जीरो, थ्री टू जा सिक्स माइनस सिक्स जीरो, जेड बराबर जीरो, इसलिए मैट्रिक्स ए बराबर ए बी सी है ना अपने पास ए बी सी एक्स वाई जेड, ए बराबर आ गया वन माइनस फोर थ्री और फोर टू जीरो, ये मैट्रिक्स ए आ गया। देखो देखिए हमें ये रिलेशन दिया हुआ है रीना, मैट्रिक्स इंटू ए इक्वस टू थ्री इंटू थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो हमने यहाँ पर इसका ऑर्डर दे रखा है थ्री इंटू टू, थर्ड रो तीन रो टू कॉलम, इसको हमने मानेंगे ये होगा टू इंटू थ्री ऑर्डर का ही, जब तो प्रोडक्ट पॉसिबल है और लास्ट में क्या रहा है थ्री इंटू थ्री, तो ए मैट्रिक्स को हमने ए बी सी एक्स वाई जेड लिखा टू इंटू थ्री ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर है टू इंटू थ्री ऑर्डर, और इसमें ए की वैल्यू रख दी है ए बी सी एक्स वाई जेड, इन दोनों को प्रोडक्ट किया मल्टीप्लाई करके और दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट संगत अवयव बराबर होंगे, तो ए बराबर वन, बी बराबर माइनस फोर, सी बराबर थ्री, और ये टू ए माइनस एक्स, टू बी माइनस वाई, टू सी माइनस जेड से आ गया, ए बी सी की वैल्यू आ गई और इनमें ए बी सी का मान रखें तो एक्स वाई जेड, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें लेना ही नहीं है एक्स वाई जेड, ए बी सी तो डायरेक्ट निकल गया और ए बी सी से एक्स वाई जेड के मान आ गए, तो ए मैट्रिक्स हो गया ए बी सी एक्स वाई जेड, ए बी सी की वैल्यू रख दी और एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दी। ये है क्वेश्चन नंबर 14।